हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है संदीप चौधरी। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, फिर भी हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे क्योंकि और किसी टॉपिक पर बात तो करते रहते हैं और ये भी टॉपिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो गाइज बात करने वाले हैं, हमें आईपैड लेना चाहिए या फिर हमें लेना चाहिए एक स्मार्टफोन, या फिर हमें आईफोन लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहिए। यानी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो गाइज हमें अपने यूजेस के हिसाब से डिपेंड होना पड़ेगा कि हमारा यूजेस क्या है और हमें किस चीज़ के लिए क्या चीज़ लेनी चाहिए। अब मैं जो है हर चीज़ के बारे में आपको एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, और आपको सारे क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन है आईपैड वर्सेस आईफोन या फिर जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है उनके जो बीच में इन दोनों को लेने की जो तीनों चीज़ें हैं इनको बीच में हमें कौन सी चीज़ लेना चाहिए और हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, किस प्रोसेसर का फ़ोन लेना चाहिए जिससे गेमिंग अच्छी हो, और हमें कौन सा आईपैड लेना चाहिए अभी 2022 में। ठीक है गाइज, अब फरवरी ख़त्म हो चुका है, मार्च आने वाला है, तो गाइज मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा पूरा का पूरा क्लियरली। तो गाइज सबसे पहले बात करूँगा, अगर आपको आईपैड लेना है तो आईपैड आपको क्यों लेना चाहिए उसका मैं आपको क्लियर कट पूरा क्लियर बता देता हूँ। आईपैड आपको गाइज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उसमें एक गेमिंग एक अच्छी प्रोसेसिंग दिया गया है, जो कि आईपैड फाइनली मैं बता दूँ इसमें एक बड़ी स्क्रीन आती है और जो कि अपने पढ़ाई कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, और जो कि आपको जो नया प्रोसेसर जो आया है A30 बायोनिक चिपसेट जो कि 9th जनरेशन आईपैड है जो कि 30,900 रुपये का है, मैं उसे प्रेफर करूँगा, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और अगर आप सोचेंगे कि जिसमें सिम वगैरह यूज कर सकते हैं तो वो आएगा गाइज 42,900 रुपये का, यानी 43,000 रुपये का आएगा। तो मैं गाइज आपसे बोलूँगा कि आपको 64 GB वाला और आपको वाईफाई वाला ही आईपैड लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमें ये वाला लेने से क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इतने में आप कोई मार्केट से 5G फ़ोन लेके आ सकते हैं नया। ठीक है गाइस, तो इतने में तो आपके लिए 5G फ़ोन आ जाएगा बिना बात के, आप 12-13 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, जो कि 13-14 हज़ार रुपये में आपको एक रेडमी का ये अदर कंपनी का आपको बहुत ही अच्छा 5G फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, अब दूसरा मैं बात करूँगा कि आप आईपैड में क्या इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको बताया आईपैड में आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, गेमिंग कर सकते हो, या आपका कोई और भी यूज जैसे से आप बड़ी स्क्रीन में पिक्चर वगैरह देखने का शौक़ है तो वो भी पूरा कर सकते हैं, और आईपैड को आप क्या है आप बैग में ही लेके जा सकते हो, और प्लस आईपैड से दोस्तों आप गेमिंग तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस होती है। बट दोस्तों इसका एक ही जो है इसका एक ही कॉन्स है और इसका एक काउंस क्या है यानी एक गलत है, जो कि BGMI ने जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो PUBG मोबाइल है उन्होंने क्या इसे अलाउ ही नहीं किया है कि आप जो टूर्नामेंट खेलते हैं उससे आप विन करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते, यानी आप ओनली आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन का ही यूज कर सकते हैं। यानी इसका एक ही कॉन्स है, यानी एक ही इसका गलत बात है भाई आईपैड की, यानी और सब कुछ सही है। इससे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यानी हर चीज़ में ये विन है आईपैड। ठीक है गाइस, एक ही डाउट है इसका बस कि आप ओनली आईपैड को इसलिए नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि टूर्नामेंट जो आईपैड के जो पबजी मोबाइल जो BGMI है टूर्नामेंट जो कराती है कि उसमें भी हम भाग ले लें और उससे हम अपना लक आजमाएं, 1-2 लाख या 2-4-5 लाख रुपये कमा लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है BGMI टूर्नामेंट, उनमें आप भाग ले सकते हैं, अपने 4 टीमों को 4-5 प्लेयर जो भी आपकी स्क्वाड होती है उसके नाम देके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन आते रहते हैं। पर इसके बारे में बात नहीं हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओनली कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप आईपैड इसीलिए ले सकते हैं, गेमिंग अच्छी कर सकते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है तो आपको लेना पड़ेगा एक आईफोन। हाँ दोस्तों, अगर आपको टूर्नामेंट खेलना है तो आपको लेना पड़ेगा एक आईफोन, आईफोन 11 या आईफोन 12 ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एंड्रॉयड फ़ोन में जाना है सस्ते में मिल जाए, तो गाइस आपको सस्ते में आपको वही फ़ोन लेना चाहिए जो कि आपको 700 से ऊपर का, यानी 720 या 7 जो भी ऊपर है 800 या 850 888, यानी जो प्रोसेसर हैं स्नैपड्रैगन के वही लेने चाहिए आपको। मीडिया डायमेंसिटी का अगर लेना है प्रोसेसर तो आपको 1000 से ऊपर का लेना पड़ेगा, 1000 तक का भी ले सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। और हीलियो को लेना है तो दोस्तों हीलियो G95 लेना चाहिए आपको, उसका एक प्रोसेसर अच्छा है, इससे ऊपर वाला ही लें, इससे नीचे वाला ना लें। तो गाइज आपको क्लियर कट पता चल गया होगा कि हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, क्लियर कट पता चल गया होगा कि हमें क्या चीज़ लेना चाहिए। अगर आपको गेमिंग करनी है और प्लस आपको चाहते हैं कि सिम भी उसमें यूज कर सकते हैं
और अपने फ़ोन को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों फ़ोन तो फ़ोन ही होता है, उससे आप मन करें तब मनोरंजन कर सकते हैं, बट आईपैड में आप ओनली घर पे ही मनोरंजन कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर लेना चाहते हैं तो उसके साथ बैग होना ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप उसे जेब वगैरह में यूज करने की लेके घूमने की सही कहीं सोचते हैं तो दोस्तों आपके लिए ओनली नुकसान ही नुकसान है। ठीक है गाइज, तो आज आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे। ठीक है गाइज, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके आप। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।